आपकी होस्ट एंड दोस्त आमना मेहता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड एलोवेरा जेल। बहुत इम्पोर्टेंट ब्यूटी टिप्स है आज मैं आपको दूंगी कि एलोवेरा कहाँ कहाँ यूज होता है। ये हमारी स्किन में भी, हेयर में भी और बहुत सी बीमारियों में भी यूज होता है। आप मेरे साथ रहिएगा, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको शो हो सके। चले आए चलते हैं। ये हमारा एलोवेरा का प्लांट है, मैंने घर में ही उगाए हुए हैं एलोवेरा, क्योंकि मुझे जब पता चला इसके इतने ज्यादा फायदे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर में ही उगा लिया जाए। तो मैंने इसको घर में उगाया हुआ है। आप कोशिश करिएगा जो से तने लेने हैं आपने एलोवेरा के, वो थोड़े से पुराने हों। जो स्किन केयर के लिए यूज होते हैं वो कम से कम एक साल पुराने हों, और जो हम खाने के लिए कुछ बीमारियों के लिए यूज करते हैं वो कम से कम 3 साल पुराने हों। अभी मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे काटना है। मोटे वाला तना लेना है, आप देख लीजिएगा जो सबसे मोटा हो आप वो लीजिएगा। ऐसे इसमें से येलो कलर का पानी निकलेगा, आपने इसको निकलने देना है। आधे घंटे के लिए इसको रख दें, उसके बाद इसको वॉश करिएगा। ये देखें, ये मैंने 4 बड़े तने ले लिए हैं, ये देखें इस साइज के। कोशिश करिएगा आप इसी साइज के लें। और आधा घंटा हो चुका है, इसने ये पानी येलो कलर का पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको वॉश कर लूंगी। अब मैंने इसको धो के वॉश करके अच्छे से इसको साफ करके रख लिया है। ये देखें, जहां से ये टूटता है किनारा वहां से कट लगता है, वहां से इस तरह से खुश्क हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, और हम इसका मॉइस्चर जाया होना शुरू हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टोर कैसे किया जा सकता है लॉन्ग लास्टिंग, मैं आपको भी बताती हूँ। वहां से आपने काटा है, वहां से थोड़ा सा अच्छे से कटिंग करके इसके ऊपर ये पेपर अच्छे से कवर करके कि इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर ही रिजॉल्व होता रहे, बाहर ना निकले, तो ये खराब नहीं होगा। आपका 15 दिन गुजर जाएंगे, फ्रिज में रख लें और निकाल के इसको जितना आपको यूज करना है आप इसको यूज कर लें। मेरे घर में फ्रेश लगा हुआ है इसलिए मुझे स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे जब यूज करना होता है मैं फ्रेश ले लेती हूँ। कोशिश करिए आप भी अपने घर में पौधा लगा लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हमने जेल निकालनी कैसे है। ये देखें, हमने इसका ये फ्रंट वाला हिस्सा भी काट लिया, इसका ये लास्ट वाला हिस्सा भी काट लिया। अब इसकी साइड्स जो सी हैं इसको ग्रीन हिस्से को अच्छे से काट लेंगे, कांटों वाली जगह को, इधर से भी और इधर से भी अच्छे से कटिंग कर ली। अब हम इसका सेंटर में करके इसको 2 हिस्से करेंगे। अब इसको स्पून की मदद से ये देखिए इस तरह स्पून की मदद से इसका गुद्दा निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे निकालूंगी मैं। गुद्दा मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तकरीबन 1 मिनट हो गया है मुझे इसको ब्लेंड करते हुए। अब ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं इसको छन्नी से छान लूंगी। मैंने बड़े साइज की छलनी ली थी कि आसानी से हो सके। ये देखें, ऊपर झाग आ गई है, नीचे जूस निकली जा रहा है। अब इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी मैं। पांच मिनट तक इसके ऊपर झाग आती रहेगी, हम उतारते रहेंगे। ये देखें, मैं इसको साइड पे बर्तन में निकालती रहूंगी झाग को। धीमी आंच पे ही पकाना है इसको। ये देखें पक रहा है और झाग ऊपर आ रही है, उसको आहिस्ता आहिस्ता स्पून की मदद से निकालना है। झाग मैंने सारी निकाली। अब ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट सा लुक दे रहा है, ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, ये कोली में मैंने प्याली में ये सारी झाग निकाली है।
इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें, अब ये ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड सा लुक दे रहा है, ये जेल्स, ये देखें। अब हम इसमें शामिल करेंगे जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर यूज कर सकते हैं या आप कॉर्नफ्लोर यूज करें, जो आपका दिल चाहे। जेलेटिन पाउडर मैंने इस कंपनी का यूज किया है, 2 चम्मच। आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊंगी और साथ साथ मैं इसको हलाती जाऊंगी। मैंने 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि गुठलियां ना बने। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। ये देखें, ये काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कंसिस्टेंसी मैं चाहती थी वैसी आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मैं इसके अंदर फूड कलर्स या दूसरे कलर्स यूज नहीं करती इस, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि ओरिजिनल होममेड रहे। अगर आप चाहते हैं कि इसका बाजारी एलोवेरा जेल जैसा कलर आए, तो आप इसके अंदर येलो या ग्रीन कलर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कंटेनर में निकालेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।